नमस्कार, मैं शैलेंद्र ठाकुर आज आपको एक नई जगह पर लेकर आया हूँ। इसका नाम शायद आपने सुना होगा। ये जो जगह है ये पाहुरनार घाट है इंद्रावती नदी का, छिंदनार गांव के नज़दीक। और ये आप देख रहे हैं जो नज़ारा है, इतनी लंबी चौड़ी इंद्रावती नदी का हिस्सा, काफ़ी चौड़ा पार्ट है और इसे भेदने के लिए करीब 710 मीटर लंबा पुल यहाँ बनाना पड़ा। और इसके बाद ये आप देखिए, इस पुल पर गाड़ियाँ भी आ रही है, सवारी गाड़ियाँ आ रही हैं। और यहाँ पर ख़ास बात है कि पुलिया के ऊपर, नए नवनिर्मित पुलिया के ऊपर टेंट लगाने की तैयारी है, अस्थाई टेंट है। कल एक बड़ा आयोजन करने वाली है यहाँ पर सरकार, जिला प्रशासन की तरफ से आयोजन किया जाना है जन समस्या निवारण शिविर का, उस सिलसिले में तैयारी की जा रही है। लोगों में काफ़ी हर्ष है क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर हर साल दर्जनों लोग नाव पलटने से काल कवलित हो जाते थे, उस समस्या से उन्हें निजात मिलेगी ऐसी उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा, क्योंकि ये जो पुल है ये इस तरफ के दर्जनों जो गाँव हैं, जो माड़ एरिया है उससे लगा हुआ है। ये आप देखिए, इस पुल पर आवाजाही शुरू हो गई है, लोग उत्साहित हैं, काफ़ी उत्सवी माहौल है यहाँ पर। इस तरफ आप देखिए, वो गांव जो सिर्फ नाव लकड़ी के डोंगी के भरोसे रहा करते थे, उन गांव के लोगों के सपनों को नया पंख लग गया है। उत्साही युवा और ग्रामीण इस तरह बाइक पर आ रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। और जिला मुख्यालय समेत देश दुनिया के अन्य जगहों से उनका संपर्क हो पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सोपान साबित हो सकता है इस इलाके के विकास में। ये देखिए, काफ़ी लंबा पुल है, बहुत ही बड़ा पुल, विशाल पुल। और यहाँ का जो मनोरम दृश्य है आप देख सकते हैं, इंद्रावती नदी के दोनों तरफ काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ये आप देख पाएंगे एक पुल का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। ये छिंदनार गांव के दूसरी तरफ बड़े करका घाट पर भी इसी तरह का एक पुल बनाया जा रहा है जिसके पिलर खड़े हो चुके हैं। ये भी कुछ महीनों के बाद संभवतः इसकी भी छत की ढलाई, स्लेब की ढलाई हो जाएगी, उसके बाद एक और पुल इस इलाके के लोगों को मिल पाएगा।